आगरा की सेंट्रल जेल में रामकथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने रामकथा का शुभारंभ किया। बता दें ये रामकथा 3 दिन तक चलेगी जिसमें तमाम धार्मिक प्रवचन दिए जाएंगे। आगरा की सेंट्रल जेल में रामकथा का आयोजन हो रहा है। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने रामकथा का शुभारंभ किया। ये रामकथा जेल के अंदर 3 दिन तक चलेगी जिसमें तमाम धार्मिक प्रवचन दिए जाएंगे। बता दें कि आगरा की सेंट्रल जेल में बड़ी तादाद में सजायाफ्ता कैदी हैं। लंबे समय से कैद रहने से कैदियों की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। लंबे समय से कैद होने के कारण मानसिक स्थिति कैदियों की बिगड़ जाती है, लिहाजा जेल प्रशासन ने इस तरह का कदम उठाया है। धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन होने से कैदियों के अंदर धार्मिक भावना जागृत होती है और वे आसानी से जेल में रह सकते हैं। इसके साथ ही जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि जेलों में आगे भी इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते रहेंगे। केंद्रीय कारागार में देवी राज राजेश्वरी के माध्यम से 3 दिवसीय रामकथा का एक आयोजन शुरू हुआ है और इसके बाद जिला कारागार में भी होगा और भी होगा। उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में हमारी योजना है कि कथा भागवत प्रवचन, क्योंकि बंदी बैरक में जब रहते हैं तो आपस में जो उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उनकी चर्चा के अलावा और उनके पास कुछ काम नहीं है। उस विकृति मानसिकता से दूर करने के लिए हमने ये सब व्यवस्थाएं जेलों में कहा है कि ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे उनकी मन में भी जो कहीं विकृतियां हैं उससे वो दूर हों। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।